लगभग 14 साल नौकरी बचा हुआ था, क्योंकि डिसीजन लेने से तुरंत तो तुरंत नहीं होता है दोस्तों, तुरंत 1 साल करीब लगता है, उस बहुत प्रोसेस होता है, मतलब गवर्नमेंट सीनियर ऑफिसर ऐसा नौकरी नहीं छोड़ सकता है। तो मैंने क्या किया, 1 साल पहले डिसीजन लिया, और डिसीजन ले करके मैं सर को बोल दिया, परिया जी को बोल दिया, मेरा घर में बोल दिया। सबसे पहले मेरे को घर से रिएक्शन है, नहीं इतना नौकरी नहीं छोड़ना है, क्योंकि उनको अच्छा गाड़ी बड़ी बंगलो, उसके बाद महीना में 2.5 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है। ये बात था 2016 का, लेकिन मैंने किसी का बात नहीं हुआ। 2016 का जो सेमिनार था कलकत्ता नेताजी इंडोर स्टेडियम में, उसमें मैंने बोला दोस्तों मैं आ रहा हूँ आप लोगों के साथ काम करने के लिए, मेरे को 1 साल टाइम दीजिए। और 2017 में मैंने वीआरएच दिया, उस टाइम मेरा 12 साल 7 महीना मेरा नौकरी था दोस्तों। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ एक चीज, उस दिन जो डिसीजन लिया था मैंने रॉन्ग नहीं था। अगर मैंने पूरा नौकरी करता तो मेरे को हो सकता है 1.5 करोड़ रुपया, ऐसे मैं जिस जब मैंने वीआरएच दिया 2016 में मेरे को 1.17 करोड़ रुपया मेरे को मिला है मेरा सेटलमेंट, और महीना में लगभग 1 लाख रुपया सोच लीजिए पेंशन। तो मैंने अगर उस टाइम नौकरी करते तो मेरे को हो सकता है 1.5 करोड़ मिलता, लेकिन इस सिस्टम से मैंने पिछले 10 साल में 10-12 साल में मैंने लगभग 5 करोड़ रुपया अर्निंग किया।